अलवाद के 54 बरस के सियासी इतिहास में अब तक 2 उपचुनाव सहित कुल 15 चुनाव हो चुके हैं। गौरतलब है कि इस दौरान सबसे कम समय तक यानी 1 साल 1 महीने में प्रताप चौटाला विधायक रहे। बता दें कि चौधरी देवीलाल के समर्थक भागीराम सबसे लंबे समय यानी 23 साल तक विधायक बने। भागीराम 5 बार यहां से विधायक चुने गए। रोचक तथ्य ये है कि 1967 से लेकर 2021 तक अलनबाद विधानसभा सीट पर 46 साल तक चौधरी देवीलाल का दबदबा रहा। अलनबाद को चौधरी परिवार का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि यहां 9 साल के लिए गैर देवीलाल समर्थित विधायक चुने गए, जिसमें 1972 से 1977 तक ब्रिजलाल गोदारा और 1991 से 1996 तक मनीराम केहरवाला विधायक रहे। हालांकि कांग्रेस से किनारा करने के बाद 1972 का चुनाव देवीलाल के किसी समर्थक ने अलनबाद से चुनाव नहीं लड़ा था। हरियाणा गठन के बाद फरवरी 1967 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस से प्रताप चौटाला विधायक चुने गए। पहली सरकार मार्च 1968 में गिरी। प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए। हरियाणा गठन के बाद हरियाणा में फरवरी 1967 से पहले विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर प्रताप सिंह चौटाला विधायक चुने गए। हरियाणा की पहली सरकार मार्च 1968 में ही गिर गई और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए। ऐसे में अलनबाद से सबसे कम समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड आज भी प्रताप सिंह चौटाला के नाम है। 1967 के चुनाव में प्रताप चौटाला ने विशाल हरियाणा पार्टी के लालचंद खोड़ को 2,647 वोटों के अंतर से पराजित किया। प्रताप जहां अलनबाद से सबसे कम समय तक विधायक रहे, तो यहां पर सबसे लंबे समय तक चौधरी देवीलाल के समर्थक भागीराम विधायक रहे। 1977 से लेकर 1991 तक पहले 14 साल, 1996 से 2005 करीब 9 साल तक वो विधायक रहे। ऐसे में भागीराम कुल 23 साल तक अलनबाद के विधायक रहे। इसी प्रकार से अभय सिंह चौटाला 2010 से लेकर 2019 तक यानी 9 साल अलनबाद से विधायक के पद पर रहे। लालचंद खोड़ 1968 से लेकर 1970 तक करीब 2 वर्ष के लिए, जबकि ओम प्रकाश चौटाला पहले 1970 से लेकर 1972 तक यानी 2 साल और फिर अक्टूबर 2009 से नवंबर 2009 तक 1 महीने के लिए विधायक रहे। कांग्रेस से 1972 में विधायक चुने गए ब्रिजलाल गोदारा 1977 तक 5 वर्ष के लिए अलनबाद के विधायक रहे। इसी तरह से कांग्रेस के ही मनीराम केहरवाला 1991 से 1996 तक यानी 4 साल के लिए, इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा भी 2005 से लेकर 2009 तक अलनबाद विधानसभा सीट से विधायक रहे। अलनबाद में तीसरा उपचुनाव 1970 और 2010 में हो चुका है उपचुनाव। ये तीसरा उपचुनाव देवीलाल परिवार के सदस्यों का त्यागपत्र, अलनबाद में हुआ उपचुनाव। अलनबाद विधानसभा क्षेत्र में 1970 और 2010 में उपचुनाव हो चुका है और इस बार ये तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है। 1968 में हुए सामान्य चुनाव में हरियाणा विशाल पार्टी के लालचंद खोड़ विधायक चुने गए और इस चुनाव को ओम प्रकाश चौटाला ने पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया, इसलिए 1970 में उपचुनाव हुआ और ओम प्रकाश चौटाला विधायक निर्वाचित हुए। 2009 में ओम प्रकाश चौटाला अलनबाद और उचाना 2 जगह से विधायक बने। उन्होंने अलनबाद से इस्तीफा दिया और इसके बाद जनवरी 2010 में अलनबाद में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में अभय चौटाला विधायक चुने गए। विशेष पहलू ये है कि दूसरी बार जब देवीलाल परिवार के सदस्यों के त्यागपत्र के चलते अलनबाद में उपचुनाव होने जा रहा है। गौरतलब है कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।